साथियों, भविष्य में हम जिस दिशा में जाना चाहते हैं उसमें सबसे बड़ी भूमिका आज की है, हमारे वर्तमान की है। और अभी शोभना जी ने एक सवाल रखा कि आप सबको बताइए कि आप कैसे चुनाव जीते। देश की जनता ने जीता है इसलिए जीत गए। और देश की जनता ने क्यों जिताया? क्योंकि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस मंत्र से काम किया इसलिए जिताया। और कई लोगों के न चाहते हुए भी हुआ। खैर, बेटर टुमारो के लिए हमारी सरकार वर्तमान की चुनौतियों पर, समस्याओं पर काम कर रही है। और ये चुनौतियां आज पैदा हुई ऐसा नहीं है, ये दशकों से चली आ रही है। साथियों, आर्टिकल 370 को हटाने का फैसला राजनीतिक तौर पर मुश्किल भले लगता हो, लेकिन इसने जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों के विकास की और उनके भीतर एक नई उम्मीद जगाई है। मुस्लिम बहनों को तीन तलाक के दंश से मुक्ति मिलने से देश के लाखों परिवारों को बेटर फ्यूचर का एहसास मिला है। पड़ोसी देशों से आए सैकड़ों परिवार जिनके साथ उन देशों में अत्याचार हुआ, जिनकी मां भारती में आस्था थी, जब उनकी नागरिकता का रास्ता खुलेगा तो इससे भी उनका बेटर फ्यूचर ही सुनिश्चित होगा। दिल्ली की आधुनिक अनाधिकृत कॉलोनी, इलीगल कॉलोनीज, उन कॉलोनियों को लेकर जो फैसला हुआ है उसने भी यहां के 40 लाख लोगों के बेहतर भविष्य का रास्ता पक्का किया है। ऐसे अनेक फैसले हैं जो पास की लेगेसी है लेकिन न्यू इंडिया के लिए, बेटर टुमारो के लिए उनको टाला नहीं जा सकता है। इसी तरह राम जन्मभूमि विवाद का शांतिपूर्ण समाधान सिर्फ एक विवाद का हल नहीं है बल्कि भारत के बेटर फ्यूचर का एक बड़ा कारक भी है। और साथियों, हमें याद रखना होगा कि राम जन्मभूमि का फैसला आने से पहले न जाने क्या क्या आशंकाएं जताई जा रही थी। सुबह फैसला आया और शाम होते होते देश के लोगों ने सारी आशंकाओं को गलत साबित कर दिया। इसके पीछे का भाव क्या था? बेटर टुमारो। समाज अब बीती बातों की उलझनों में नहीं रहना चाहता, देश भविष्य की ओर देख रहा है। देश के बेहतर भविष्य के लिए जनमन में आए इस बहुत बड़े परिवर्तन को हम कम नहीं आंक सकते।